रसदार रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पीला मूंग दाल भुना हुआ अरवी डाल के। पहले मूंग दाल को अच्छा से धो भून लीजिए सूखा, फिर अच्छा से वो धो के उसको चढ़ा दीजिए। फिर उसमें अरवी काट के डाल के 2-4 मिनट तक उसको पकने दीजिए। फिर दाल का फेना झाग निकाल के फेंक दीजिए। दाल के अंदर स्वाद अनुसार सेंधा नमक दीजिए, दे के उसको पकने दीजिए जब तक नहीं पूरा नहीं सीज जाए। फिर एक डब्बू में या पैन में या कढ़ाई में थोड़ा घी दीजिए, सूखा मिर्चा दीजिए, अदरक हल्दी का पेस्ट दीजिए, अम्बा हल्दी भी दीजिएगा जिसको अमादा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो दीजिएगा। टमाटर प्यूरी दीजिएगा, थोड़ा सा हींग दीजिएगा, हरी मिर्च दीजिएगा। जब तक टमाटर का पानी नहीं सूख रहा है तब तक आप भूनते रहिए। फिर वो जो तड़का है दाल के अंदर डाल दीजिए, डाल के 1-2 सेकंड तक उसको पकाइए। ऊपर से धनिया पत्ती दीजिए, गरम मसाला दीजिए। बस तैयार है आपका भुना हुआ पीला मूंग दाल। आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी नान के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत हेल्दी भी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आपके वहाँ पे इस दाल को कैसे बनाते हैं वो भी मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा।